का सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता। बताइए सत्येंद्र, क्या जानकारी मिल पाई है इस पर? देखिए सईद, अभी तक जो जानकारी आ रही है उसमें कहीं ना कहीं अभी पेच फंसा हुआ है। जैसा कि अभी आपने बताया कि पंजाब पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि यह आतंकी हमला नहीं है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता कि मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये हाई सिक्योरिटी जोन है और इस पे तस्वीरें अगर आपको दिखाई दे रही है, ये जो इमारत आपको दिखाई दे रही है पंजाब इंटेलिजेंस ब्यूरो की इमारत है और इस इमारत के अंदर एक लाइट आपको जलती दिखाई दे रही है और जो तीसरी मंजिल आपको दिखाई दे रही है, दरअसल यहाँ पर धमाका हुआ है और ठीक इस इमारत के नीचे आपको पुलिस की एक वैन दिखाई दे रही है जिसकी लाइटें जल रही है। दरअसल पंजाब इंटेलिजेंस ब्यूरो का ये हेडक्वार्टर है और ये स्टेट हेडक्वार्टर है, इसको आप ये नहीं कह सकते। और ये सईद, आपको एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगा, ये जो सड़क है, ये सड़क आप देखिए, ये जो रोड है ये रोड आगे जाकर खत्म हो जाती है, यानी कि ये सड़क सिर्फ पंजाब इंटेलिजेंस ब्यूरो के दफ्तर तक जाती है और इस सड़क पर किसी भी आम आदमी का जाना मना है। लेकिन जिस तरीके से ये धमाका हुआ है, जिसको पंजाब पुलिस ने अब साफ कर दिया है कि पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर एक विस्फोटक रखा हुआ था जिसकी वजह से धमाका हुआ है, लेकिन इससे पहले ये कहा गया था कि ये आरपीजी है। फिलहाल इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी ललित मेरे साथ है और तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर ये पूरा धमाका हुआ है। ललित, जिस तरीके से पंजाब पुलिस का अब ये बयान आया है कि ये आरपीजी अटैक नहीं है बल्कि ये विस्फोटक जो बिल्डिंग के अंदर रखा हुआ था उसका धमाका है, आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल सत्येंद्र जी, देखिए कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से पंजाब भर में ये घटनाएं हुई है, काफी जो संकेत है वो आतंकी घटना की तरफ जरूर दिखाते हैं। लेकिन फिलहाल जो अभी ताजा जानकारी है जो अभी हमें हमारे पास आई है, सूत्रों का कहना है कि ये आतंकी हमला नहीं है, एक माइनर सूत्रों का नहीं, ये पंजाब पुलिस कह रही है कि ये आतंकी हमला नहीं है। लेकिन सईद, मैं आपको बता दूं कि पिछले अगर एक सप्ताह का आप आंकड़ा उठाएं, नहीं लेकिन तो लेकिन सत्येंद्र ये भी बताइए ना, ये तस्वीर दिखाई दे रही है आरपीजी की, क्या कंफर्म कीजिए या हम डॉक्टर विक्रम सिंह या शशिकांत सिंह जी से जो कि फॉर्मर डीजीपी हैं पंजाब और उत्तर प्रदेश के, उनसे पूछें। पहले आप इससे कंफर्म कीजिए। लेकिन हमारे एक और सहयोगी सत्येंद्र और ललित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शम्स साहिब खान। शम्स, आपको क्या जानकारी मिल पाई है, किस तरह का यह हमला है? हालांकि पंजाब पुलिस मना कर चुकी है कि यह आतंकी हमला नहीं है। देखिए सही, इसमें दो वर्जन आ रहे हैं। एक ये है कि इंटेलिजेंस ऑफिस जो ये मोहाली में है, ये शाम 6 बजे दफ्तर बंद हो जाता है, तमाम लोग चले जाते हैं। हालांकि तमाम बड़े बड़े जो अफसर हैं इस इंटेलिजेंस दफ्तर में बैठते हैं जो पंजाब के टेररिज्म के मामले को देखते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल स्पेशली है। हाल के एक हफ्ते की चीजों को देखें तो करीब करनाल से 4 टेररिस्ट पकड़े गए थे, आरडीएक्स तरनतारन से पकड़ा गया। इसके अलावा आज ये कह रहे हैं कि एक एक्सीडेंटल भी हो सकता है, लेकिन एक जो खबर आ रही है वो ये भी आ रही है कि ये ग्रेनेड का हमला है। लेकिन इन दोनों चीजों के अलावा जो तीसरी चीज पंजाब पुलिस कह रही है वो उसको रूल आउट नहीं कर रहे हैं कि एक इंडियन सिख यूथ फेडरेशन, लखविंदर सिंह रोडी जिसके चीफ है और जो खासतौर पर अगर हम बात करें उनके भतीजे हैं भिंडरा वाले के, तो पंजाब में एक हफ्ते में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई। तो अभी फिलहाल शुरुआती तौर पर पंजाब पुलिस ये कह रही है कि एक एक्सीडेंटल धमाका है, इसमें हम टेररिज्म के एंगल को। लेकिन शम साहब ये भी बताइए कि क्या ये जो आरपीजी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड जो दिखाई दे रहा है अभी तस्वीर में, ये हो सकता है वहां इंटेलिजेंस के ऑफिस में? देखिए यहाँ पे पंजाब पुलिस के पास इनपुट है ऑलरेडी, क्योंकि एक हफ्ते में कई चीजें एक साथ हो गई। तरन तारण से आपको आरडीएक्स मिलता है, इसके अलावा करनाल से 4 टेररिस्ट पकड़ते हैं, इसके अलावा इसके पास इनपुट है कि इंडियन सिख यूथ फेडरेशन जो एक्टिव है, जो पाकिस्तान में लखविंदर सिंह रोडी जिसका चीफ है वो पाकिस्तान में बैठा हुआ, भिंडरांवाला का सगा भतीजा है, और टिफिन बॉम्ब की भी बीच में बात आई पंजाब में। तो कुल मिलाकर एक हफ्ते में सरगर्मियां बड़ी तेज हुई हैं। लेकिन इस वक्त पंजाब पुलिस शुरुआती जांच के बाद, क्योंकि दो चीजें हैं, एक शाम 6 बजे तक ऑलरेडी आमतौर पर ये दफ्तर बंद हो जाता, तमाम सीनियर अफसर चले जाते हैं यहाँ से, 6 बजे के बाद ये धमाका होना, जिसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली अगर शम साहब बने रहिए हमारे साथ, हम आते हैं दोबारा आपके पास। सत्येंद्र प्लीज, क्या आप हमें पंजाब पुलिस की प्रेस रिलीज जो आपके पास आई है, ललित के पास है, उसे शब्दशः पढ़कर सुना सकते हैं? सर सुनिएगा विक्रम सर।
जी देखिए, मेरे सहयोगी ललित के पास वो प्रेस रिलीज है जो पंजाब पुलिस ने जारी किया है, उसको हम पढ़कर सुनाते हैं शब्द से शब्द। ललित, क्या लिखा इसमें? सतेंद्र जी देखिए, अगर इस प्रेस रिलीज की बात करें, इसको गंभीरता से हमें लेना होगा। जो प्रेस रिलीज जारी किया गया उसमें साफ तौर पर कहा गया कि एज पर द प्रेस कम्युनिकेट रिलीज बाय मोहाली पुलिस, अ माइनर एक्सप्लोजन वॉज रिपोर्टेड एट द पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर्स अराउंड 7:45। लेकिन उसके साथ साथ एक अहम बात और लिखी है, कहीं नो डैमेज हैज बीन रिपोर्टेड, लेकिन सीनियर ऑफिसर्स आर ऑन द स्पॉट एंड इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। उसके साथ साथ फॉरेंसिक टीम्स अंदर काम कर रही है। तो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है और खास तौर पे जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, बताया जा रहा है कि जो ये अंदर हमला हुआ है। सही, एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, माफी चाहूंगा, पूरा पढ़ दिया या और भी कुछ है इसमें? दरअसल जो तीसरी मंजिल है, सिर्फ इतना सा प्रेस रिलीज है जो हमने आपको पढ़कर बताया शहीद, इसमें ये कहा गया है कि तीसरी मंजिल पर धमाका हुआ है 7:45 पर। लेकिन शहीद, सबसे गंभीर बात यह है, सतेंद्र आप दिखाइए, कैमरा उनको बताते रहिए, लेकिन एक हमारे छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए जी। इसमें कहीं भी ये तो नहीं कहा गया है कि आतंकवादी घटना नहीं है, इस बात से तो इनकार नहीं किया गया है, सिर्फ ये कहा गया ना जी? बिल्कुल ये नहीं कहा गया, बल्कि इस देखिए सईद, इसमें ये कहा गया है कि फॉरेंसिक और पंजाब पुलिस की तमाम टीमें इस पूरे मामले की छानबीन कर रही हैं, और इसमें कहीं ठीक है ये सतेंद्र एक काम और कर दीजिए आखिर में, कि हमला नहीं है। ठीक है, सतेंद्र एक काम और कर दीजिए प्लीज, ये जो भी चार लाइन छह लाइन आई है ललित के पास, वो ललित से कहिए कि बिना रुके वो पूरा पढ़ के सुना दें। हम चाहते हैं कि डॉक्टर विक्रम सिंह भी सुन लें और हम लोग भी सुन लें उसे, और अपने दर्शक भी सुन लें सब जी। देखिए, मैं ललित से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो प्रेस रिलीज आया है लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड जो पंजाब पुलिस की तरफ से जानकारी आई है, पूरी पढ़कर आप सुनाएं। दरअसल इसमें वर्ड टू वर्ड लिखा क्या गया है, क्या पंजाब पुलिस ये कह रही कि आतंकी हमला नहीं है? पूरे इस प्रेस रिलीज में क्या लिखा है वो आप अंग्रेजी में पढ़ के बताइए। बिल्कुल सत्येंद्र जी, देखिए अगर प्रेस रिलीज की हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मोहाली की तरफ से ये प्रेस रिलीज जारी किया गया, और खास तौर पर इसमें बात करें एज पर द प्रेस ये प्रेस रिलीज भी हम आपको दिखाते हैं सही। हाँ, दिखा आप इसको स्क्रीन पर दिखा सकते हैं इसमें क्या लिखा है। ठीक है, एज पर द प्रेस कम्युनिकी रिलीज बाय मोहाली पुलिस, अ माइनर एक्सप्लोजन वॉज रिपोर्टेड एट द पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर्स इन सेक्टर 77 मोहाली एट अराउंड 7:45 PM। उसके साथ साथ अहम बात और, नो डैमेज हैज बीन रिपोर्टेड, सीनियर ऑफिसर्स आर ऑन द स्पॉट एंड इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग डन, फॉरेंसिक टीम्स हैव बीन कॉल्ड। ठीक है, ललित एक मिनट रुकिए, पर भी ये मेंशन नहीं किया। ठीक है, यही हम समझना चाह रहे थे। अब डॉक्टर विक्रम सिंह सर, क्या आपने ये प्रेस रिलीज जो पूरी अच्छी तरह सुनी है, और इससे आप क्या अंदाजा लगाते हैं? इसमें जितनी बातों का खुलासा किया है वो ये है, नंबर एक माइनर एक्सप्लोजन, नंबर दो नो डैमेज, नंबर तीन इन्वेस्टिगेशन इन प्रोग्रेस, नंबर चार सीनियर ऑफिसर्स आर एट द स्पॉट। ये बहुत ही वेल गार्डेड और बैलेंस्ड एक प्रेस रिलीज है, इसमें किसी तरह की आतंकी घटना के बारे में न कंफर्मेशन है न कॉन्ट्रडिक्शन है। अब इन्वेस्टिगेशन इस बात पे रोशनी डालेगा कि ये किस प्रकार की घटना है, लेकिन इस तरीके की घटना का होना, विस्फोट सेक्टर 77 में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स में, अपने में ही एक बहुत बड़ी घटना है। और जैसा कि आपका पहला सवाल था, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स में एक्सप्लोजिव्स का होने का कोई औचित्य ही नहीं है। औचित्य वहां पर रखा जाता है जहां पे एक्सप्लोजिव रखे जा सकते हैं, जहां रखने के इंतजाम हैं और SOPs फॉलो किए जा सकते हैं। थाने पर भी एक्सप्लोजिव नहीं रखे जा सकते हैं, क्योंकि वहां रखने का कोई इंतजाम और नहीं कोई उसकी सहूलियत होती है। एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट्स या तो डिटोनेट कर देते हैं, या जहां पर एक्सप्लोजिव रखे जाते हैं उसका एक बहुत बड़ा और बृहद प्रोटोकॉल होता है। इस तरीके से एक्सप्लोजिव, ये कहना भी गलत होगा कि इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पे एक्सप्लोजिव थे, न इस तरह के तस्करा होना चाहिए, न इसको कहा भी जाता है कि एक्सप्लोजिव इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स में थे। अगर हुआ है बहुत ही गलत हुआ है, अगर किसी के लापरवाही से हुआ है वो भी जो है सजा का भागीदार है।